हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल यासरी क्लासेस। सो जैसा कि आपको पता है कि गाइड टू एडमिशंस एएमयू का आ चुका है, जिसका आप लोग को बेसब्री से इंतजार था, वो पल वो घड़ी आ चुकी है। यहां पर अगर आप देखेंगे, सबसे पहले आपको क्या काम करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको गूगल पर विजिट करना है एएमयू एग्जाम्स कंट्रोलर पर, ठीक है। तो एएमयू एग्जाम्स कंट्रोलर की वेबसाइट पर आप लोग जाएंगे, ओके। एएमयू एग्जाम्स कंट्रोलर की वेबसाइट पर आप जाएंगे, सबसे पहला जो यहां पर पेज आपको दिखाई देगा वहां पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहां पर नोटिसेज एंड अपडेट्स में आपको अपडेट नहीं मिलेगा, आपको क्या करना है, यहां पर एडमिशंस में जाना है। एडमिशंस में जाने के बाद यहां पर आपके पास एक और विंडो ओपन होगी, जहां जनरल एडमिशंस पर आपको जाना है। जैसा कि आपको पता है, सीयूटी के अकॉर्डिंग आपके फॉर्म्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो एएमयू सीयूटी के अंडर भी कुछ एग्जाम्स कंडक्ट करा था जो एंट्रेंस एग्जाम्स है, बाकी उसकी अपनी एक सोल अथॉरिटी है जहां पर वो अपने अकॉर्डिंग एग्जाम्स कंडक्ट कराता है। तो आइए हम देखते हैं बेटा, गाइड टू एडमिशन में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। ओके, ये पेज थोड़ा सा आज वेबसाइट हो सकता है क्रैश हो रहा है, क्योंकि बच्चे बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे इसका। अब यहां पर आपको नजर आ रहा होगा जनरल एडमिशन कोर्सेज ऑफर थ्रू सीयूटी, यानी कि जो कोर्सेज सीयूटी के अकॉर्डिंग होते हैं वो कोर्सेज यहां पर आ जाएंगे। लाइक बीए के कुछ ऐसे कोर्सेज हैं, लाइक बीए हिंदी या बीएससी का एक प्रोग्राम है जो सीयूटी के अंडर में आता है, उसका रजिस्ट्रेशन लिंक आपको यहां से भी दे रखा है, और अदरवाइज आप एनटीए की वेबसाइट पर भी जाकर वो अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। देन एप्लीकेशन फॉर्म, गाइड टू एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म पर आप एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर सबमिट कर सकते हो। गाइड टू एडमिशन 24-25 आप यहां पर क्लिक करोगे तो गाइड टू एडमिशन आपका डाउनलोड हो जाएगा, जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ सीट्स, आपका एज क्राइटेरिया, कब तक लास्ट डेट है, क्या फीस है, क्योंकि हर साल फीस में चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये गाइड टू एडमिशन हमारे पास यहां पर ओपन हो चुका है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यहां पर सारी फैकल्टीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको दी होगी, उसका पेज नंबर आपके सामने होगा। जैसे लाइक ये हमारे पास जनरल इंफॉर्मेशन पेज नंबर 1-2 है, उसके बाद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड रूल्स है, यानी कि आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। रूल्स फॉर एडमिशन अगेन, सीट्स रिजर्व फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए सीट रिजर्व का क्राइटेरिया क्या है। उसके अलावा रूल्स फॉर एडमिशन अगेन, सीट्स एम्बार्ग अंडर को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स पर्सन है। इन सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट बेटा जनरल स्टूडेंट के बाद आता है, क्योंकि कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं। मैक्सिमम एज लिमिट क्या होगी, टेस्ट सेंटर्स क्या क्या होंगे, जैसे कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहां पर टेस्ट सेंटर सिर्फ एएमयू अलीगढ़ होता है, बाकी एएमयू के जो अलग अलग टेस्ट सेंटर्स हैं वो यहां पर बताए गए होंगे। स्पेशल कैटेगरी फॉर नॉमिनेशन रिजर्व, ओके, जिनकी नॉमिनेशन कैटेगरी में या जो रिजर्व सीट्स हैं वो भी आपको दे रखी होंगी। सारी चीजें यहां पर आपको इंस्ट्रक्शंस में दे रखी हैं। तो सबसे पहले आता है अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस। तो एग्रीकल्चरल ऑफ साइंस में जो यूजी पीजी प्रोग्राम्स होते हैं उसकी लिस्ट आपको बेटा ये दे रखी है, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी। तो इस तरह से आपको फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के बारे में सारे इंफॉर्मेशन है। देन आता है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, यानी कि जो बच्चे बीए ऑनर्स का एंट्रेंस एग्जाम देंगे, अब बीए ऑनर्स में आपके पास दो फैकल्टीज होती हैं, एक फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और एक फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। ओके, तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में आपके पास यहां पर कोर्सेज हैं हिंदी, लिंग्विस्टिक, पर्शियन, फिलोसफी, संस्कृत। बीए ऑनर्स रिसर्च अरेबिक, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, इंग्लिश, कुरानिक स्टडीज एंड उर्दू। बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स यानी कि बीवीए, एमए अरेबिक, ये सारे कोर्सेज बेटा यहां पर आते हैं। पर आता फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, अब फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में सबसे पहले आपको दे रखा है बीकॉम ऑनर्स और रिसर्च, उसके बाद है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लास्ट टाइम जब ये आपका गाइड टू एडमिशन लॉन्च हुआ था तो उसमें बीबीए का कोर्स नहीं था। ओके, बीबीए की जो इंफॉर्मेशन थी आपके बीकॉम एंट्रेंस के बाद आपके पास आई थी, इसीलिए ये कॉमर्स फैकल्टी ही कंडक्ट कराती है बीबीए एग्जाम को, इसलिए फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में, अदरवाइज ये एफएमएसआर में होना चाहिए था। एफएमएसआर मींस फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च, जहां से लोग एमबीए परस्यू करते हैं। तो यहां पर ये बीबीए, ओके, एमकॉम, एमबीए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एमबीए टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, एमआईआरएम मास्टर ऑफ इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, एमएचआरएम, पीजी डिप्लोमा और पीजीडीएम डीएफ बिजनेस फाइनेंस। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, यानी कि यहां पर आपको बीटेक, एमटेक, ये सारे कोर्सेज होंगे। ओके, इसके अलावा आपके पास बाकी और भी सारी फैकल्टीज हैं, इसके रिगार्डिंग बेटा आपको नंबर ऑफ सीट्स, कब आपका टेस्ट होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको एक डिटेल्ड वीडियो आपके सामने लेकर आई जाएगी। ये सिर्फ एक इंस्टेंट आपको वीडियो लेकर आए लाइव, इसलिए कि आपको एक इंफॉर्मेशन दे सके कि गाइड टू एडमिशन आ चुका है, फॉर्म्स आ चुके हैं। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है स्टूडेंट्स तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, जहां पर हम डिटेल में सारे कोर्सेज के लिए आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।